फॉर्म 45 और फॉर्म 46 पूर्ण करने का अमल। फॉर्म 45 इन हिदायत के मुताबिक तैयार करना है। फॉर्म के ऊपर दी गई खाली जगह में इंतखाबी हलके का नाम और नंबर दर्ज करें। इसके बाद पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर दर्ज करें। पोलिंग स्टेशन पर तफवीज करदा वोटों की तादाद, मर्द, खवातीन और कुल तादाद दर्ज करें। कॉलम एक में नंबर शुमार दर्ज होंगे। कॉलम दो में तमाम उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर के मुताबिक दर्ज होंगे। कॉलम तीन में हर उम्मीदवार के बैलेट बॉक्स से बरामद दुरुस्त वोटों की तादाद दर्ज करें। कॉलम चार में हर उम्मीदवार के हासिल करदा दुरुस्त टेंडर्ड वोटों की तादाद दर्ज करें। कॉलम पांच में हर उम्मीदवार के हासिल करदा दुरुस्त चैलेंज्ड वोटों की तादाद दर्ज करें। कॉलम छः में कॉलम तीन, चार और पांच की तादाद को जमा करके हर उम्मीदवार के हक में डाले गए कुल वोट दर्ज करें। इसके बाद ए में दुरुस्त वोटों की कुल तादाद यानी कॉलम छः की कुल तादाद दर्ज करें। बी में गिनती से खारिज शुदा वोटों की तादाद में पहले बैलेट बॉक्स से बरामद शुदा वोट जो गिनती से खारिज किए गए, फिर गिनती से खारिज करदा टेंडर्ड वोटों की तादाद और गिनती से खारिज करदा एतराज शुदा यानी चैलेंज्ड वोटों की तादाद दर्ज करें। इसके बाद बी का मजमुआ और फिर सी में ए और बी की तादाद जमा करके लिखें। मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की सूरत में खवातीन के डाले गए वोटों की तादाद अलग अलग लिखें, जबकि अलहदा पोलिंग स्टेशन की सूरत में सी की तादाद ही डी के खाने में लिखें। कॉलम सात में पोलिंग एजेंट्स का नाम और पार्टी वाबस्तगी अगर कोई हो दर्ज करके उनसे दस्तखत लें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना नाम, असली ओहदा और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। आखिर में मुख्तस करदा जगह पर अपने दस्तखत और अंगूठे के निशान सब्त करेंगे। अगर जरूरत है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना नोट लिखें और आखिर में जगह का नाम, तारीख और वक्त दर्ज करें। याद रहे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ रिजल्ट की तकमील का वक्त लिखेंगे और वो फॉर्म 45 को आरओ को बजरिया मोबाइल ऐप भेजेंगे। फॉर्म 46 को इस तरीकाकार के तहत पूर्ण करना है। फॉर्म के ऊपर दी गई जगह पर इंतखाबी हलके का नाम और नंबर दर्ज करें। इसके बाद पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर दर्ज करें। पोलिंग से पहले आरओ से वसूल शुदा बैलेट पेपर्स की तादाद को सीरियल नंबर एक में इस तरीकाकार के मुताबिक लिखें। सीरियल नंबर दो में बैलेट बॉक्स से बरामद शुदा दुरुस्त और गिनती से खारिज शुदा तमाम बैलेट पेपर्स की कुल तादाद दर्ज करें। सीरियल नंबर तीन में टेंडर्ड बैलेट पेपर्स की कुल तादाद। सीरियल नंबर चार में चैलेंज्ड बैलेट पेपर्स की कुल तादाद। सीरियल नंबर पाँच में जाया शुदा यानी स्ट्रे बैलेट पेपर्स और मनसूख शुदा बैलेट पेपर्स की कुल तादाद। जबकि सीरियल नंबर छः में सीरियल दो, तीन, चार और पाँच का मजमुआ दर्ज करें। सीरियल नंबर सात में गैर जारी शुदा बैलेट पेपर्स की कुल तादाद इस तरीकाकार के मुताबिक लिखें। सीरियल नंबर आठ में सीरियल छः और सात में दर्ज शुदा बैलेट पेपरों की तादाद का मजमुआ लिखें। सीरियल एक में दर्ज शुदा बैलेट पेपर्स की कुल तादाद को सीरियल आठ की कुल तादाद के बराबर होना चाहिए। इसके बाद फॉर्म 46 पर भी पोलिंग एजेंट्स और मुबस्सरीन के नाम और दस्तखत लें अगर वो मौजूद हों। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 46 के आखिर में अपना नाम, असली ओहदा, जाय तैनाती और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और मुख्तस करदा जगह पर अपने दस्तखत और अंगूठे के निशान सब्त करेंगे। आखिर में जगह का नाम और तारीख भी दर्ज करेंगे।